Okay. So, first of all, I have to say my name is Ashish Chandlani. I'm a YouTuber. I am introducing myself because I have to. You can see the people here. इनके सामने क्या मेरे को इंट्रोडक्शन देना ही पड़ेगा. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम आई वुड फर्स्ट लाइक टू कॉल मिस्टर करण जोहर ऑन स्टेज. करण सर, कैन वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज. हेलो करण सर, वेलकम. सो करण सर, हाउ एक्साइटेड आर यू? Well, I think that you can tell the palpable excitement in the room. I have never in my years of actually producing and directing films, I don't think I've ever seen this level of energy and this level of excitement for the release of a trailer, and justifiably so, because this is a universe that I think Hindi cinema and Indian cinema hasn't yet seen. So I think that we should not waste any more time, yeah. Ashish. Yeah, let's. And I think we should really, really, really show everybody this labor of love, this labor of this universe, and this man Rohit Shetty that has created this dynamo of a trailer with this illustriousness that is there in this front row. This is the first time Indian cinema has a universe like this, where you have the collision and the collaboration of three mega movie stars coming together with, of course, the gorgeous Katrina, which we can't forget. So I think we should show them. Yeah, let's go. We should show them the trailer, not once, but twice. So are you excited for the trailer? तो बस शुभकाम में देरी क्यों. लेट्स शो द ट्रेलर, लेट्स गो. मतलब मजा आ गया, मतलब एकदम पब्लिक तो मतलब फाड़ देने वाली है थिएटर में, फाड़ देने वाली. क्या बोलते हो रणवीर सर? पुलिस आया, पुलिस. ओके, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज द मसाला मूवी मेकर, द हिट मशीन, रोहित शेट्टी. रोहित सर प्लीज कम ऑन स्टेज. नहीं आ रहे हो? आ रहे हो ना? Many people. I just start. ऐसा अभी देखा मैंने, इतना public है क्या, media है क्या? हाँ भाई. तो रोहित सर, अभी आपने तो मेरे को trailer दिखाया था, लेकिन अभी ये public के साथ trailer देख के आपका reaction कैसा था? अभी इनको पूछो, हमारा काम तो हो गया. अरे बताओ सर को कैसा reaction था, कैसा लगा trailer? हाँ चल आगे बढ़ते हैं. अभी आगे बढ़ते हैं सर. अभी हम लोगों को किसको बुलाना है नेक्स्ट स्टेज पे, आप बताओ. शुरुआत कैसी हुई इसकी? सिंगम से शुरू हुई. Exactly. तो सिंगम को बुलाना पड़ेगा सबसे so पहले. कैन वी प्लीज हैव हिम ऑन स्टेज, अजय देवगन सर. सूर्यवंशी. आज ट्रेलर मैंने पहली बार देखा, ये वाला. तू क्या खा रहा है? लिपस्टिक लगा रहा है? ये लिपस्टिक क्यों लगा रहा है ये? आई हैव लव्ड द ट्रेलर. फैबुलस, फैबुलस ट्रेलर, माइंड ब्लोइंग. मतलब अजय सर आप भी इधर ऐसे ही टर्न, ऐसे एंट्री आपने इधर अंधेरी में ऐसे ही मारा एकदम, इधर थिएटर के बाहर ऐसे गाड़ी घूमते घूमते बाहर आए. अभी हर फिल्म में वही करवाते हो. तो सर मतलब इट स्टार्टेड ऑफ विद सिंगम एंड नाउ द यूनिवर्स हैज ग्रोन लाइक दिस. मतलब हाउ इज योर फीलिंग अबाउट इट? मतलब डिड यू एवर एक्सपेक्ट कि दिस वुड ग्रो इनटू दिस सच मैसिव फ्रेंचाइज? नो, नेवर. नो, आई डोंट थिंक फर्स्ट में ऐसा लगा था. फर्स्ट में बिल्कुल नहीं लगा था. लेकिन आई वाज अमेज्ड कि जो फर्स्ट में जो रिस्पॉन्स आया, मेल्स का तो आता ही है, बट फॉर एन एक्शन फिल्म फर्स्ट टाइम आई सॉ के वुमेन रिएक्टिंग टू सच अ गुड कॉप काइंड ऑफ अ फिल्म. तो वहाँ से फिर उसकी वो रिलीज होने के बाद ऐसे लगा कि अब ये फ्रेंचाइज बढ़ता जाएगा. लेकिन रोहित तो कहाँ तक लेके जा रहा है ये फ्रेंचाइज, विच इज फैबुलस. इट इज क्रेजी हाउ द यूनिवर्स हैज ग्रोन. अभी हम प्राउडली कह सकते हैं इंडिया के पास अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स है, शेट्टी सिनेमैटिक यूनिवर्स. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस. चलो अभी मिस्टर एनर्जी को बुलाते हैं स्टेज पे, द वन एंड ओनली माय फेवरेट, माय सिंधी ब्रदर सर, सुपरस्टार मिस्टर रणवीर सिंह. कैन वी हैव यू ऑन स्टेज? सूर्यवंशी. ओहो, रणवीर सिंह कैरेक्टर में ही आया है थिएटर में.
आहा, ट्रेलर का नशा अभी चढ़ा है. आहा, क्या ट्रेलर है यार, अच्छा लगा कि नहीं? पब्लिक आवाज करो, पब्लिक. पहली बार तीन तीन एक साथ, और सोने पे सुहागा कैटरीना जी आप भी. क्या डायलॉग दिया आपने, बाय गॉड दिल छू गया. हार्ट फेल्ट स्टफ. सर आई एम जस्ट टू एक्साइटेड. I don't know whether I'm excited that I'm sharing screen space with my screen idols. I don't know whether to be excited for Rohit, sir. This is really a one-of-a-kind vision. Truly, like Karan said, the first of its kind. I'm as excited as an audience. Trailer ka kya kaam kya hota hai? Aapko thoda sense de ki aap cinema hall mein jaoge to aapko kaise feeling aayegi. अब ऐसी फीलिंग आएगी, आप सोच सकते हो पूरा ढाई घंटे के बाद क्या फीलिंग आएगी आपको. बार बार जाओगे, बार बार जाओगे. टिकट बुक कर लो, पब्लिक आ रही है, पुलिस. नहीं सर, आपकी आपका ट्रेलर आपको. अक्षय सर, अच्छा, कैन वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज. सूर्यवंशी अक्षय कुमार. ये मैं कुछ चीजें लाया हूं जो रणवीर सिंह लेके आया था. ये पानी, ये लिपस्टिक पता नहीं क्या है ये. वो मैंने अजय सर की पप्पी लेनी थी तो मैं लिप्स मॉइस्ट कर रहा था मैं. ये पानी की बोतल, तांबा है सर, इको फ्रेंडली. और ये दांत साफ करने के लिए. ये तू तीनों चीजें लेके क्यों? ये आपके बेनिफिट के लिए है सर. क्यों? मेरे बेनिफिट. मैं आपके सामने बैठा था ना तो मैं ऐसे ऐसे पास पास आके बोल रहा था क्या ट्रेलर है बॉस, क्या ट्रेलर है बॉस. बेटे मेरे बेनिफिट के लिए अगर तू सही टाइम पे आ जाता वही बहुत होता. अच्छा बाय द वे हम लोग लेट नहीं होते, इसने लेट कराया आज, आप लोगों को वेट कराया 40 मिनट. वो उनको पता है. पता है ना दोस्तों, डोंट नो. अभी अभी ये ले तेरी. अक्षय सर ने उठक बैठक करवाई है रणवीर सिंह से बिहाइंड. हाँ क्यों नहीं, तुम लोग को अलग मजे लूटने हैं. खैर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, आप लोग सब आए यहाँ हमारा ट्रेलर देखने के लिए. वैसे मेरी कई फिल्में मैंने करीबन 135, बेटे यही आवाज है. 135 फिल्में रिलीज की हैं, पहली बार मैंने इतने सारे लोग देखे हैं. सो बहुत बहुत धन्यवाद रोहित साहब का कि रोहित साहब ने इतनी अच्छी बड़ी फिल्म बनाई है. और आई होप हम इसे ये फिल्म जो है आप सबको भाई. और अजय जो मेरे पुराने मित्र हैं, हम दोनों ने अपना करियर साथ में ही शुरू किया था. और ऐसा शुरू किया था कि एक ही फिल्म के लिए दोनों लड़े थे. पहली फिल्म जो हमारी थी फूल और कांटे, जिसमें पहले मैं था पर मुझे धक्का मार के इसने लिया. ऐसे कई फिल्में ऐसे रही हैं आपस में, साथ में हम दोनों ने अपना करियर शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँचे कि हम लोग कितनी फिल्में साथ में कर चुके हैं. साथ में मेरे हैं हमारे भाई साहब लेट लतीफ. मैं छोड़ूंगा नहीं बेटा तेरे को. 40 मिनट ये इंसान लेट आता है. खैर हाँ, और आके बहाना पता क्या बनाता है, बोलता है मेरी बीवी टाउन में रहती है. मेट्रो के ऊपर उसने डाला है, बोलता है मेट्रो की वजह से कम मैं लेट आया हूँ. खैर चलो, आया तो सही. हाँ जी, शादी जल्दी कर दी. ए कौन बोला? चलो ठीक है. अब करण साहब कहाँ गए? कैटरीना इज बिजी, अपना अलग इंटरव्यू चालू है इधर. अब हम बुलाते हैं कैटरीना कैफ को, जो कि बुलाते हैं मतलब उठना है. सूर्यवंशी. कैटरीना कैफ जी, जोरदार तालियां इनको. मैं आपको बताना चाहता हूं इस फिल्म के अंदर इसने एक ऐसा सीन किया है. मैं बता सकता हूं रोहित साहब वो सीन के बारे में जो आपने देखा है? मतलब मैं दंग रह गया था कि इतना कमाल का सीन किया है. एंड आई बिकम अ बिग फैन ऑफ कैटरीना कैफ एंड हर एक्टिंग टैलेंट. सो बिकम मतलब पहले नहीं था? नहीं पहले नहीं था, मैं झूठ बोलता ही नहीं. ये सीन के बाद? हाँ, ये सीन के बाद बनाऊं. पहले मैं
पहले मैं इनके हुस्न का था, अब मतलब शी हैज डन सो ब्रिलियंटली इन दिस फिल्म एंड आई हैट्स ऑफ टू हर कि एक लड़की जिसको हिंदी का एक शब्द नहीं आता था इस इंडस्ट्री के अंदर आई और अपना आज मतलब सबसे बड़े बड़े हीरों के साथ ये काम करती है. जोरदार तालियां इनके लिए. सो कटरीना जी अब आप कुछ कहें. रणवीर अब के ब्यूरी लिपस्टिक क्यों नहीं लगाते. प्रमोशन. मुझे पैसे निविया दे रहा है मैडम. जिस दिन के मेरा चिक काटेगा मैं के लगा लूंगा इसमें क्या. थैंक यू एवरीबॉडी. इट्स बीन an incredible journey on this film. To be a part of Sir's vision has just been, it's been really, really special, but I think we've all seen what incredible work he's done and how the trailers are absolutely amazing. But more than anything, I just want to say one thing about Rohit Sir here, that he's really, really, really one of the most incredible human beings that I've had the opportunity of working with. And it's been an absolute pleasure, Sir, working with you. And all of Thank these you. Incredible voices as well. And all of these boys as well, and to be working with Akshay again after a few years has also just been absolutely incredible. Okay, now I would like Karan Johar sahab, upar aaye. Huge round of applause for Karan Johar, everyone. Sooryavanshi. Karan. I think that, you know, we're going to open this up to all of you. And I think you've seen the magic and madness of this universe. And I know you got some flack for coming late, but understand. But I think that, you know, it was well worth it. Your bit in the, and what Akshay and what Ajay have done has just been absolutely fantastic. And Katrina, I've seen the film anything. And I know how fantastic you are in it. We have not done anything he's made us do. Everything. So, and I have to say, and just one thing before I invite some other members on stage, I have to say that this man is a bona fide rock star. Visionary. Like, I think that it takes a certain kind of talent, a certain kind of ability to create this kind of universe, and he does it every year. Like, yahan 5 saal se maine ek film direct nahi ki, aur in 5 saalon mein inhone kuch 2000 crore already bana liye. So I really believe that I have so much to learn. In fact, from all the members on this stage, I was telling Ajay, mujhe technique seekhna hai. Main aake actually master class lene wala hu jis khoobsurati se inhone Tana ji banayi. Aur ye jo karte hain, ye jo singam karte hain, ye koi aur nahi kar sakta. Akshay, I've had the great fortune of doing multiple films with, and I have to say that there is no better person to deal with, work with, and a mega bona fide movie star. Katrina has always been as gorgeous and as stunning as ever, and I've seen the film, and I can assure you that what Akshay said is like 100% correct. She is amazing in this film. But the heart and soul of this franchise and this universe is this man, so give it up for the one and only Rohit Shetty. Rohit Shetty. Now there are... I'd like to invite on stage a man who stood solidly with Rohit right through the group CEO of Reliance Entertainment, Shibashish Sarkar. And my partner in crime, Apoorva and Mehta, CEO Dharma Productions. Shibashish, congratulations. Well, my lucky day. At least one woman has fallen on me. that's fine, Katrina. I have your back. We're going to open this out. Ashish, I'm sorry I'm doing your job, but it's no, out. No, it's fine. Much more kind of problem. We can proceed with the media interactions. Yeah, that's now, what I'm saying. Right? I think let's, we can open let's it up. Let's give them a chance. We have one request, ladies and gentlemen. If you can keep the questions related to this fantastic universe, this film that's going to release at a theater near you on the 24th of March, 24/7, as you know. So keep the questions related to us, the film, the franchise, all these mega movie stars, and the mega filmmaker himself. जी, you have a question? अनुसार सबसे बड़ी एंट्री फिल्म में किसकी होने वाली है, क्योंकि आप कैप्टन ऑफ शिप हैं, इसलिए आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे बड़ी एंट्री इस फिल्म में किसकी होने वाली है? करण की. सरप्राइज है. अगला पुलिस वाला करण है. और मैं क्या लगूंगा? फिर कैसे मैं क्या लगने वाला हूँ उस आउटफिट में, मैं क्या बताऊं? एंड
But we would love it's to see you. Worthy by Louis Vuitton. अभी यहाँ पे स्टैंड अप शुरू होने वाला है एक आधे घंटे का शो सबको मिल जाएगा हाँ एंड अक्षय जी अरे कोई कुर्सियां मिलती नहीं है बैठ जा भाई ओके हाँ Excuse me, आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो लिबास पहना है इसमें ये नहीं बैठ सकती आप प्लीज भगवान के लिए इस श्रीमती कटरीना कैफ के लिए आप खड़े हो जाएं इसके लिए भगवान के भगवान के लिए कि इनके लिए कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूंगी एक सेकंड अरे बैठ गई क्या बात है वेरी गुड ओके अरे करण भी बैठ गया अरे आगे वाले मोबाइल नीचे रखो पीछे वाले बोल रहे हैं अरे नहीं साला कैमरा शूट नहीं कर पा रहे आपने आपको सवाल का पीछे वाले को नहीं दिख रहे हाँ पीछे वाले को नहीं दे उठो एक्सरसाइज करवा रहे हैं अक्षय क्या अक्षय जी नहीं इट्स बेटर द एनर्जी ओके स्टार्ट लेट्स स्टार्ट कोई कुछ पूछना चाहता है रोहित अक्षय और अजय वो इंसान पूछना चाहता है कुछ इन्होंने सवाल पूछा था इनको जवाब नहीं मिला रोहित हाँ बोलना यार रोहित आपकी फिल्म सिम्बा में ही आपने बता दिया था कि सूर्यवंशी आ रही है मतलब इट वाज डिसाइडेड कि इसके बाद एक उसका दूसरा फ्रेंचाइज हो गया तो यू आर द फर्स्ट पर्सन लाइक कि फिल्म एक फिल्म हो और उसके आगे यू आर डिसाइडेड कि एक और एक फिल्म आने वाली ज़्यादातर ऐसे होता है कि फिल्म हिट होने के बाद यू डिसाइड कि ये आगे जाने वाला है तो हाउ वाज दैट थिंग प्लान्ड एक्चुअली यू नो I think that, you know, we're going to open this up to all of you. And I think you've seen the magic and madness of this universe. And I know you got some flack for coming late, but understand. But I think that, you know, it was well worth it. Your bit in the, and what Akshay and what Ajay have done has just been absolutely fantastic. And Katrina, I've seen the film anything. And I know how fantastic you are in it. We have not done anything he's made us do. Everything. So, and I have to say, and just one thing before I invite some other members on stage, I have to say that this man is a bona fide rock star. Visionary. Like, either, I think that it takes a certain kind of talent, a certain kind of ability to create this kind of universe, and he does it every year. Like, yahan 5 saal se maine ek film direct nahi ki, aur in 5 saalon mein inhone kuch 2000 crore already bana liye. So I really believe that I have so much to learn. In fact, from all the members on this stage, I was telling Ajay, mujhe technique seekhna hai. Main aake actually master class lene wala hu jis khoobsurati se inhone Tanaji banayi. Aur ye jo karte hain, ye jo singam karte hain, ye koi aur nahi kar sakta. Akshay, I've had the great fortune of doing multiple films with, and I have to say that there is no better person to deal with, work with, and a mega bona fide movie star. Katrina has always been as gorgeous and as stunning as ever, and I've seen the film, and I can assure you that what Akshay said is like 100% correct. She is amazing in this film. But the heart and soul of this franchise and this universe is this man, so give it up for the one and only Rohit Shetty. Rohit Shetty. Now there are... I'd like to invite on stage a man who stood solidly with Rohit right through the group CEO of Reliance Entertainment, Shibashish Sarkar. And my partner in crime, Apoorva and Mehta, CEO Dharma Productions. Shibashish, congratulations. Well, my lucky day, at least one woman has fallen on me. that's fine, Katrina. I have your back. We're going to open this out. Ashish, I'm doing your job, but it's no, out. It's much fine. More kind of problem. We can proceed with the media interaction. Yeah, that's what now, I'm saying. Right? I think let's, we can open let's give it them up. A chance. We have one request, ladies and gentlemen, if you can keep the questions related to this fantastic universe, this film that's going to release at a theater near you on the 24th of March, 24/7, as you know. So keep the questions related to us, the film, the franchise, all these mega movie stars, and the mega filmmaker himself. Oh,
question? अनुसार सबसे बड़ी एंट्री फिल्म में किसकी होने वाली है, क्योंकि आप कैप्टन ऑफशिप हैं, इसलिए आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे बड़ी एंट्री इस फिल्म में किसकी होने वाली है? करण की. सरप्राइज है, अगला अगला पुलिस वाला करण है. और मैं क्या लगूंगा, तो फिर कैसे मैं क्या लगने वाला हूँ उस आउटफिट में, मैं क्या बताऊं. एंड वी वुड लव टू सी वर्दी बाय लुई विटॉन. अभी यहाँ पे स्टैंड अप शुरू होने वाला है, एक आधे घंटे का शो सबको मिल जाएगा. हाँ. एंड अक्षय जी, अक्षय जी, अरे कोई कुर्सियां मिलती नहीं है, बैठ जा भाई. ओके. हाँ, एक्सक्यूज मी, आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो लिबास पहना है इसमें ये नहीं बैठ सकती. आप प्लीज भगवान के लिए, इस श्रीमती कटरीना कैफ के लिए आप खड़े हो जाए. इसके लिए भगवान के, भगवान के लिए कि इनके लिए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, एक सेकंड. अरे बैठ गई, बैठ गई, बैठ गई, क्या बात है, वेरी गुड. ओके. अरे करण भी बैठ गया. अरे आगे वाले मोबाइल नीचे रखो, पीछे वाले बोल रहे हैं. अरे नहीं, गाइस आला कैमरा शूट नहीं कर पा रहे. पीछे वाले को नहीं, आपने आपको ऊपर वाले, पीछे वाले को नहीं दिख रहे. हां पीछे वाले को नहीं, पीछे वाले को नहीं दे, उठो. एक्सरसाइज करवा रहे हैं अक्षय. अक्षय जी, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, नहीं मत मत, इट्स बेटर द एनर्जी. ओके ओके, स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट. कोई कुछ पूछना चाहता है? रोहित, रोहित, अक्षय और अजय, वो इंसान पूछना चाहता है कुछ. इन्होंने सवाल पूछा था, इनको जवाब नहीं मिला. रोहित, हाँ बोलना यार. रोहित, आपकी फिल्म सिम्बा में ही आपने बता दिया था कि सूर्यवंशी आ रही है, मतलब इट वाज डिसाइडेड कि इसके बाद एक उसका दूसरा फ्रेंचाइज हो गया, तो यू आर द फर्स्ट पर्सन लाइक कि फिल्म, एक फिल्म हो और उसके आगे यू आर डिसाइडेड कि एक और एक फिल्म आने वाली. ज्यादातर ऐसे होता है कि फिल्म हिट होने के बाद यू डिसाइड कि ये आगे जाने वाला है. तो हाउ वाज दैट थिंग प्लान्ड एक्चुअली? यू नो, कुछ आइडिया नहीं यार, दिमाग में था कि ये चलेगी तो आगे कंटिन्यू करेंगे, बस वही किया इतना. हाँ, अभी उस पे ऐसा लंबा लेक्चर दे के शो ऑफ कर सकते हैं, बट मतलब लगा कि आगे बढ़ाना चाहिए, पब्लिक को पसंद आएगा, बना दिया. क्या वाक्य चाहिए आपको इसमें से? हाँ, इसमें क्या मैसेज है? नहीं नहीं, आप क्या डोनेट करेंगे पिक्चर के बाद? इसमें डोनेट क्या करूँगा? क्या कह रहे हो आप मैडम? नहीं मैडम, छोड़िए ना, क्या रोहित, रोहित जी, नो नो, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच. रोहित जी, रोहित जी हियर. इस पिक्चर के बाद ये मुझे हेलीकॉप्टर गिफ्ट कर रहे हैं. वहां भी ट्रैफिक मिलेगा तुझे. क्यों आज बैठे बैठे कब्र खोद रहे अपनी? रोहित जी. हाँ मैम. राम गोपाल वर्मा जी ने हमें बताया था अपने इंटरव्यू में कि मुंबई पुलिस ने उनको कंपनी या छत्या में बहुत हेल्प की थी. इन्होंने बताया था अनुराग कश्यप ने कि राकेश मारिया ने उनको ब्लैक फ्राइडे में बहुत हेल्प की. क्या आपको भी रियल कॉप्स जो हैं वो हेल्प करते हैं? रिसर्च, बहुत सारे कॉप्स हैं. हाँ. मतलब जब फिल्म आएगी तो आप देखेंगे कि हम उनको, ऑब्वियसली हम उनको उनका नाम देंगे, जो कॉप्स जिनके साथ हमने रिसर्च किया. और ये तो अभी एक मतलब कॉप का ब्रांड ही हो गया, हमें सिर्फ कहना पड़ता है कि हमें शूटिंग करना है, एंड दे कम एंड एवरीथिंग इज डन फॉर अस. तीनों जो आपके कैरेक्टर्स हैं बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट हैं. चैलेंजिंग सबसे ज्यादा कौन सा था, सिम्बा, सिंघम या सूर्यवंशी? एक्चुअली चैलेंजिंग ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट के ऑडियंस के लिए नया क्या करें वो चैलेंजिंग हो जाता है, नॉट द कैरेक्टर और द एक्टर. कि अब सिम्बा देख चुके हैं, सिंघम देख चुके हैं, तो अब सूर्यवंशी में और क्या बड़ा कर सकते हैं? ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन के साथ बच्चे बड़े सब आते हैं, यंगस्टर्स स्पेशली, सो उनके लिए क्या नया कर सकते हैं, दैट इज चैलेंजिंग. अक्षय जी आपके राइट में, अक्षय जी आपने ढेरों सारी फिल्में की है, लेकिन जब जब पुलिस की वर्दी में आप आते हैं तो
तो कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए? एंड दूसरा सवाल ये कि हेलीकॉप्टर का वो जो सीन हमने देखा, एक एक करके बेटा एक एक करके पूछ, पुलिस की वर्दी में जब जब आप आते हैं तो कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, क्योंकि आपके बहुत अच्छा लगता है वैसे पुलिस की वर्दी नहीं, कोई भी किस्म का यूनिफॉर्म हो, चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, कोई भी यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म की एक डिग्निटी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है जब एक मौका मिलता है। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ और हम सभी मानते हैं जो इंडस्ट्री में है कि हमें इतने इतने किरदार मिलते हैं खेलने के लिए, सो आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट। एंड वो जो हेलीकॉप्टर का सीन है वो सभी को बहुत पसंद आया, तो थोड़ा सा आप करके दिखाओ आपका एक्सपीरियंस। नहीं नहीं, यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं है। हाँ, यहाँ हेलीकॉप्टर तो है नहीं, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्योंकि एक्सपीरियंस वही है जो पुराना है, जब जो उस वक्त हुआ था, सबसे बड़ा खिलाड़ी में किया था, बहुत सारे और फिल्मों में किया, वैसे ही एक्सपीरियंस है, उतनी हवा आ रही थी, वैसे ही चल रहा था हेलीकॉप्टर, बढ़िया था। बस ये थे कि उस वक्त सिर्फ एक या दो कैमरा होते थे, यहाँ इन्होंने 7 कैमरा लगा दिए तो जल्द काम हो गया। एंड रणवीर जी, आप भी मानते हैं कि आपके फ्रेटिनिटी में सबसे कमीने आप हैं, ऐसा ट्रेलर में ऐसा है तो? ये सवाल था कि डायरेक्ट डायरेक्ट इंसल्ट ऐसा ट्रेलर में है? मैं नहीं खेल रहा हूं, फ्रेटिनिटी की बात है, ये फिल्म की बात है, मैं ना ये आपका बहुत गलत है, आपने जो ऐसा सवाल किया, ये मैं आपसे कहूंगा कि आपने बहुत गलत हिसाब से सवाल किया है, वो फिल्म के अंदर डायलॉग है, ना कि फ्रेटिनिटी का डायलॉग है, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ऐसा ऐसा ना पूछे। ओके, अक्षय और मेरा अक्की, हेलो, हमेशा मुझे बचाने आएगा मेरा अक्की। अक्षय, अक्षय, अजय और रोहित, आपकी फिल्म में बार बार इस बात को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, फिल्म की ट्रेलर में डायलॉग भी है कि हिंदू और मुसलमान जो भारत के हैं वो एक साथ रहते हैं, और मतलब बार बार इस एकता की बात को दिखाया गया है, और इन दिनों देश के जो हालात हैं और खासतौर से जो दिल्ली में हो रहा है, और चूंकि फिल्म की बात हो रही है, बात बोलूं, थोड़ा सा सीरियस इशू है वो, और बहुत लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, और इस वक्त सबसे बेस्ट चीज होगा हम सबके लिए कि थोड़ा शांत रहे, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, हमारी गवर्नमेंट है, और हमारे जो लोग हैं जो वहां पर हैं, यहाँ पर बॉम्बे में ऐसे हंसी मजाक करते हुए जो वहाँ लोगों पर बीती है उस पर बात करना बहुत आसान होता है। सबसे बेस्ट चीज है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान को चुप रहना चाहिए, क्या हो गया कि सब आके बोल रहे हैं और केओस बढ़ते जा रहे हैं, शांत रहेंगे अपने आप होगा, वहां पर एक सीएम है, सब लोग हैं, और वहां ग्राउंड रियलिटी पे जब कभी दंगा देखा है किसी ने आप लोगों में से, फटके हाथ में आ जाएगी, कभी नहीं करना चाहिए ये सब, हम लोगों को चुप रहना, हम लोग यहाँ आए मस्ती करने, और फिर मैं बोल दूंगा, लेक्चर बोल दूंगा, और मेरा थोड़ा सोशल मीडिया पे वाहवाह भी हो जाएगी, इस वक्त हम सबको इस चीज को लेके चुप रहना चाहिए फिलहाल थोड़े दिनों के लिए, जिन पे जो बीत रही है वो सब सॉर्ट हो जाए फिर सब बोल सकते हैं। Only on the film. अरे अपने बाकी technicians को तो बुला लो सब। आओ, फरहत भाई कम, यूनुस भाई आओ। And we have all the technicians on the stage. Hello. Late आता था। सब time पे आते थे, time पे film बन गई है। अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया था कि ये दिन आने वाली है, बल्कि पहले तो ये कहा था कि ईद में आएंगे, हम तो पहले आए हैं, तो मतलब वो तो बल्कि जल्दी आ जाता था, ये आज का वक्त है, सिर्फ थोड़ा लेट हो गया है, तो कंसिडर हम तो मजे ले रहे हैं इससे, ठीक है, और वरना तो ये सही टाइम पे आ जाता, सुबह 7 बजे आके मुझे इसने कई बार उठाया। हाय कैटरीना, मैं इसको बताता था बेटे मैं 4 बजे उठा हुआ हूँ, मैं कसरत करके सो चुका था थोड़ी देर के लिए। कैटरीना, मेरा सवाल है अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ के लिए, ये ट्रेलर बहुत बढ़िया था, लेकिन एक चीज़ जिसका अभी और इंतज़ार है, उस गाने का, टिप टिप बरसा पानी, तो उस गाने के बारे में, उस रिक्रिएशन के बारे में थोड़ा आप दोनों बोलिएगा प्लीज़। टिप टिप बरसा पानी हाँ, तो टिप टिप बरसा पानी के लिए एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसके अंदर हम सब मिल के फिर बताएंगे कि उसमें क्या क्या रिक्रिएशन किया है, ठीक है। हाय कैटरीना, हाय हियर। मैं तो अजय सर का डांस के लिए वेट कर रहा हूँ, मैं अजय सर के डांस के लिए वेट कर रहा हूँ। बेटा सब बोल देगा, जिंदगी भर वेट कर, सब बता देगा। थैंक यू कैटरीना, हाय। एक्चुअली एक गाना जो आएगा सबसे पहले उसमें अजय सर से हमने डांस करवाया है।
मैं ना वो सबसे क्यूट चीज है उस वीडियो का. मैं गया था रिहर्सल पे, तो वो डांसर लोग हम लोग को दिखा रहे थे, हाँ सर तो आप यहाँ से आएंगे, फिर अक्षय सर यहाँ से आएंगे, फिर ये अजय सर का पार्ट दिखाते हैं आपको. मैंने बोला अजय सर भी नाच रहे, अच्छा दिखाओ. और फिर जो हुआ आप पिक्चर में देख लेना, देख लेना. Katrina, when you were offered, were you skeptical in the beginning, considering like it's a cop universe, and did you take some time to accept the offer? Like, did you have a substantial part or? No, definitely. I absolutely love the part that I play in the film, and more than anything, what I look at when I see a film is if the film works for me and has it moved me, has the story touched me, and is what I'm doing crucial in the film. And I think the entire film has the entire script, the entire story. When you see the film, it's everyone's role. Everyone who is here standing on stage, who's acted in the film, everyone's role is crucial to the film. And the film has really come out amazingly. This is Sonal from Zenius this side. आप तीनों उम्र कहते हैं डबल धमाका नहीं ट्रिपल धमाका इस ट्रेलर के द्वारा फैंस को मिला है और ये एक बहुत ही एंटरटेनिंग जर्नी होगी ट्रेलर को देखकर लग रहा है. बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को. सबसे पहले कि चूंकि आप तीनों का जो सीन्स हैं वाकया सब लोग पूछ रहे हैं, तो मैं भी एक पूछना चाहूँगी कि कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जब आप तीनों की बॉन्डिंग या उसको शेयर करता हुआ हम सभी से शेयर करना चाहें, आप कोई एक बॉन्डिंग, कोई इंसिडेंस, कोई मौका. मेरा एक्चुअली सिम्बा में ही हो गया था सर, मैं बोलूँगा क्योंकि मेरा जेन्यून है. मतलब एक शूट चल रहा था हम लोग का महबूब स्टूडियो में, और पहला शॉट हुआ जो कंबाइंड था अजय सर का और मेरा, और ऐसे फोरग्राउंड में मैं खड़ा हूँ और पीछे से अजय सर ऐसे आके अपीयर करते हैं, फिर हम लोग दोनों साइड बाय साइड, एंड आई रियली हैड अ मोमेंट देयर. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आई एम शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद माई स्क्रीन आइडल्स. वो जब भी मैं मॉनिटर में जाके चेक किया तो आई थिंक रोहित सर रिमेंबर्स वेरी क्लियरली दैट आई वॉज रियली हैविंग अ मोमेंट. आज मैं यहाँ बैठा था, मैं अक्षय सर को भी बोल रहा था, आपने को इंटरनेट पे देखी होगी हमारी फोटो, मैं बचपन में जब भी इनसे मिला था, और आई नेवर फॉरगेट दैट डे. एक दिन वो था, एक दिन आज है, आज मैं इनके साथ पिक्चर में हूँ. आई फील टू इनक्रेडिबली ब्लेस्ड बियॉन्ड वर्ड्स. थैंक यू. सिम्बा का चार बार बोल चुका है, बार बार अक्षय को उसकी उम्र याद दिलाता है, बचपन में मिला था, बचपन में मिला था. थोड़ा सा रेलेवेंट क्वेश्चन है एक आप तीनों के लिए. आपने सिम्बा का जिक्र किया, उसमें एक कहानी जो थी एक विक्टिम की कहानी थी, और हमारे देश में भी एक विक्टिम निर्भया की बात कर रही हूँ मैं, तो आपको लगता है कि उनके गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए और फांसी की सजा जल्द से जल्द होनी चाहिए? आप सभी का एक रिएक्शन इस पर चाहिए. इस किस्म के गुनाह को तो 100% फांसी, हाँ फांसी मिलनी चाहिए, मतलब कोई डाउट ही नहीं उसमें. तो अक्षय सर आपका भी सर, और रणवीर बिल्कुल हम सब एक ही हैं, यही बात पे हम पूरे पूरी तरह सहमत हैं. We have last two questions, ladies and gentlemen. Last two questions. Here. अक्षय सर, अजय सर, सबसे मेरा सवाल है ये, रणवीर आपसे भी, जैसे कि शुरू में ही कहा गया कि ऐसे ट्रिपल धमाके बहुत रेयरली हमारे इंडस्ट्री में अभी देखने मिलते हैं. एक टाइम था जब अमर अकबर एंथनी और इस तरह की तमाम फिल्में बनती थी, अभी टू हीरो थ्री हीरो फिल्म बहुत कम हो रही हैं, बनती हैं ऐसा, रीजंस क्या हैं आपके हिसाब से? मेरा हो गया, मेरे को क्या पूछ रहे हो, मैं तो लेके आ गया सब. तुम लोग बोलो. मुझसे पूछा, किनसे पूछा, नाम तो बता दो. तीनों लोगों से. तीनों लोगों से. जवाब तो एक ही होगा ना. मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि ये मल्टी स्टार क्यों नहीं बनती है? देखिए हमने तो बहुत सारी की हैं, इसका जवाब तो ये देगा, ये आदमी नया है सर. मैं भी कर रहा हूँ सर. तू करता क्यों नहीं सर? मैं 13-14 से कर रहा हूँ. मैं तो गुंडी की, फिर ऑन सॉन्ग कास्ट की, दिल धड़कने दो, मैं 83 कर रहा हूँ, सूर्यवंशी कर रहा हूँ, मैं तो तख्त भी कर रहा हूँ विक्की के साथ. मैं तो इसमें नहीं हूँ सर. मैं कर रहा हूँ, फिर क्यों नहीं बन रही? मतलब बन तो रही है. आप दोनों देखिए कितने सालों बाद साथ में आए हैं. हाँ जी, आप दोनों ही कितने सालों बाद साथ में आए हैं जी. देखिए पहले एक जमाना था जब राजकुमार कोहली साहब बड़ी बड़ी मल्टी स्टार फिल्में बनाते थे. अब उनको भी पूछना चाहिए, वो भी बनाए तो बहुत बढ़िया रहेगा. जैसे लास्ट फिल्म उनकी थी जानी दुश्मन. मजा आ गया सर, कल्ट फिल्म है वो, कल्ट फिल्म. हेलो, जिसमें करीबन सात हीरो साथ में थे. एक्चुअली रोहित सोच सात हीरो को लेके बनाते हैं. हेलो दुश्मन टू. हेलो, दिस इज साक्षी फ्रॉम E24. आई ऑलरेडी हैव द माइक सर, सॉरी.
My question is to Ajay sir. Sir, अभी ताना जी के लिए congratulations first of all. सर उसके बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि आप सैफ अली खान जी से काफी नाराज थे उनके स्टेटमेंट पर. उसके घर गया, उसको मैंने बहुत मारा, टांगे वांगे तोड़ दिए उसकी, आजकल चल भी नहीं पा रहे. ये सब जो खबरें आपको मिलती है पता नहीं कहाँ से मिलती हैं, तो इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ऐसा कुछ नहीं है. ओके गाइस, रोहित या हेलो, लास्ट क्वेश्चन रोहित, रोहित या गाइस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ये फिल्म हम लोग कह सकते हैं कि एक रीइन्वेंटेड रोहित शेट्टी हम लोग देख रहे हैं, जिसमें लॉजिक भी है, मैजिक भी है. और इसके अलावा एक सवाल और सबसे रहेगा कि होली भी नजदीक आ रही है, तो होली मिलन को लेकर कोई ऐसी याद रही हो जहां गिले शिकवे दूर हुए अपनों से या गैरों से? कब है होली? 10 को, 10 10 मार्च, 10 मार्च को, तो सबकी यादें हम लोग चाहेंगे. ये रीइन्वेंटेड रोहित शेट्टी है जो लॉजिक भी है, मैजिक भी है, ये सवाल मालूम नहीं मेरे को, तो पब्लिक बताएगी. हाँ, ना कौन सोचता है. और होली की कोई याद? मैं होली खेलते हैं सबसे सबसे हम सब निकलना, दो दिन निकलता है, बहुत बेकार काम है. ये होली नहीं खेलते, बचपन में थोड़ी बहुत खेलते थे, अब नहीं. रोहित अक्षय सर, एक सवाल, एक सेकंड, आई हैव टू आस्क क्वेश्चन नाउ, लाइक वी आर एंडिंग द मीडिया क्वेश्चंस. अक्षय सर मेरा आपसे क्वेश्चन है. सर इधर सर, महीने में सर एक वीडियो नहीं बनती यूट्यूब चैनल पे, सर आप साल में चार चार पिक्चर कैसे कर लेते हो सर? मतलब एक बच्चे को टिप्स दो ना सर. क्या टिप दूं, मतलब तू सोचता आदमी और क्या. तू कितने बजे सो के उठता है सर? सच्ची ऑनेस्टली वाला बताओ. ऑनेस्टली वाला सर, 12 बजे तक उठता हूँ सर. ये 4 बजे उठता है, एक शिफ्ट खत्म हो जाती है 12 बजे तक. जेन्युइनली बट सर सोता भी लेट हूँ सर, इसलिए जब तक हम लोग उठते हैं या ये एक फिल्म खत्म कर चुका हूँ. और मैं पहले इसको बोला करता था कि पहले मैं जब मैं पहुंचता था, ये सुबह आया होता था जब हम पहले काम करते थे, तो मैं इसको एक ही चीज बोलता था, तो दूध वाला था क्या? अच्छा एक मिनट, जो बाकी कुछ टेक्नीशियंस हैं मैं उनको बुलाना चाहूंगा, फिर फोटो आप सब आज अक्षय और मैं साथ में. तू पूछ लेना, क्या फोन करके पूछ. लेट अजय देवगन सर स्पीक प्लीज, कैन वी हैव साइलेंस? मैडम एक मिनट गाइस, कैन वी हैव साइलेंस? आप पूछ लेना इसके बाद. और वैसे भी ये बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो अभी ये दो प्रश्न बोले जा रहा है. नहीं आप पूछ और पूछो, 10-12 पूछो, 15 पूछो. ओके हाँ भाई बोलो. बोलिए अजय सर, बोलिए. अच्छा हम दोनों आज साथ में इसलिए, हम दोनों एक चीज कहना चाहते हैं अपने अपने फैन क्लब्स को. लेटली हम आपस में बात करते रहते हैं कि हमारे जो फैंस हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं बहुत. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज दरख्वास्त करते हैं कि आपस में ना लड़े. बीच में कौन पिस रहा है? साथ हैं, एक बीच में कौन पिस रहा है? रुक जा बेटे, मैं तो खेल ही नहीं रहा. अरे यार हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, तू बीच में घुस रहा है. तो प्लीज ना लड़े, हम लोग एक साथ हैं, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ. आपस में जितने भी हमारे फैन क्लब्स हैं आपस में मिलके रहें और हम दोनों एक ही साथ हैं और ये फिल्म भी मिलके जुल के देखें. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. अब मैडम पूछ लीजिए, मैडम कौन है, कहाँ है? कैन वी हैव द फोटो? हाँ मैडम पूछिए. मैडम बीच में से. हाँ पूछिए मैडम. There are a lot of people, this is for Rohit. Rohit, there are a lot of people who believe that your film glorifies police brutality and encounter killings. Meri film? Haan. Kya galat sawal hai? What do you think about this? Police brutality rehta hai. And encounter killing, it's encouraging. Nahin, nahin, brutality hai hi nahi meri film. Haan hai, galat sawal. Toh ek bhi film nahi dekha, kuch aur dekh ke aaiye tu. तीन हीरो एडजस्ट करते करते मतलब इतना बड़ा बन गया. देखो छोटा प्रमोशन है, मैं बिलीव नहीं करता कि 6-6, 8-8 महीना प्रमोशन चले. 21 दिन में फिल्म रिलीज हो जाएगी, सबको पता चलता है, तो क्यों प्रेशर लेना. तो इसलिए एक ही एक बड़ा प्रोमो है, अब सॉन्ग्स आएंगे तो वी थॉट के विल शो. और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहानी बताना बहुत जरूरी है कि क्या कहानी है क्या है, देन लेट द ऑडियंस डिसाइड. चीट नहीं करना चाहिए. हाँ ये फिल्म है, अब आप डिसाइड करो आपको देखने आना है या नहीं. आपको पता है कि पहले इन्होंने 5.25 मिनट का बनाया था, फिर पीवीआर वालों ने कहा बेटे आप तो फिल्मों से भी लंबी बना रहे हो. तो बोला नहीं ऐसा मत करो. रोहित सर. ओके गाइस, रोहित सर, रोहित सर विद द फोटो. आप और कोई है सर? लास्ट सर, लास्ट. हाँ पूछिए पूछिए पूछिए. दिख नहीं रहा हाल के हो गए इतनी बड़ी फिल्म बना के. उनका तक सिल गया.
कपड़े फट गए बेचारे के, घुटने दिखा रहे, देखो घुटने पे आ गई है. भैया जब ये यूनिवर्स सेट हो जाता है तो ये रोहित शेट्टी का यूनिवर्स है, इसमें सब बहुत कंफर्टेबली एडजस्ट हो जाते हैं. मेरा कोई हाथ नहीं है टू गेट दीज मेगा मूवी स्टार्स इन वन फ्रेम. देयर इज वन मैन रिस्पॉन्सिबल, वी आर वेरी हैप्पी टू स्टैंड बिहाइंड हिम. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रोहित सर. कैन वी प्रोसीड विद द फोटो? हेलो, दिस आर द लास्ट क्वेश्चन. कैन वी फोटो? खत्म खत्म.